विराम चिन्ह देखने जा रहे हैं। देखिए विराम मतलब क्या? विराम मतलब आराम। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें आराम की आवश्यकता होती है, है कि नहीं? देखिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करते वक्त आप हमेशा घंटों पढ़ाई करते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं? आराम करते हैं। इसका मतलब हमें आराम की जरूरत होती है। काम करते वक्त हमें आराम की जरूरत होती है, बोलते वक्त होती नहीं? होती है। हम जो भी बोलते हैं वह क्या करते हैं? आराम लेते लेते ही बोलते हैं। आप कहेंगे मतलब आप बोलते हैं आराम लेते हैं, बाद में बोलते हैं आराम लेते हैं, ऐसा क्या? नहीं, बोलते वक्त हम जहां जहां पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वही हमारा आराम होता है, बराबर? मतलब काम करने के बाद जिस तरह से हम आराम लेते हैं उसी तरीके से बहुत सारा आराम हम बोलते वक्त लेते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ बोलते वक्त ही आराम लेते हैं ऐसा भी नहीं बच्चों, जो भी हम लिखते हैं उसी वक्त भी हम आराम लेते हैं, लिखते वक्त भी, क्योंकि जो भी लेखन करते हैं वे अगर लिखते वक्त आराम नहीं लेंगे तो वे जो कुछ भी कह रहे हैं उनके मन में जो भी भाव है वे हमें कैसे पता चलेंगे? वे जहां पर रुकते हैं वहीं पर अगर हम रुकेंगे तो वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं वही हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, है कि नहीं? अब इस तरह से हम आराम नहीं लेंगे सही वक्त पर तो जो कुछ भी भाव है या जो कुछ भी वे हमें कहना चाहते हैं, बोलने वाला हो या लिखने वाला, जो कुछ भी हमें बताना चाहते हैं वे हम अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं और ना ही हम अच्छी तरह से पढ़ भी पाएंगे। आप कहेंगे कैसे? देखिए हम लेते हैं एक उदाहरण कि किस तरह से हमें आराम मतलब विराम की जरूरत है, किसमें? लिखने में, बोलने में, समझने में। देखते हैं कैसे। देखिए एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। ये जो उदाहरण है यह अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनिए और देखिए। यहाँ पर मैं तीन उदाहरण लेती हूँ, एक उदाहरण है, तीन तरीके से लिखती हूँ। क्या लिखा है मैंने? रोको मत जाने।
किसकी जरूरत है? विराम चिन्हों की जरूरत है, जो कि बहुत ही आवश्यक होते हैं। कहने वाला क्या कह रहा है यह समझने के लिए भी, और जो समझ रहा है वह ठीक ढंग से समझ रहा है कि नहीं, इसके लिए भी। इसी कारण बच्चों, ये जो विराम चिन्ह है, इन विराम चिन्हों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह है। देखिए बच्चों, आप अभी पांचवी छठी कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसी कारण आपको जो उचित विराम चिन्ह है वही आज हम देखते हैं। मतलब जितने बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, लेकिन आप अभी इन दो कक्षाओं में इतने सारे विराम चिन्ह नहीं पढ़ेंगे। आगे जाकर सातवीं और आठवीं कक्षा में हम जो पूरे विराम चिन्ह है इनका अध्ययन अच्छी तरह से करने वाले हैं। अब कुछ विराम चिन्ह है जिन्हें हम इन दो कक्षाओं में देखते हैं। देखिए कौन कौन से विराम चिन्ह है यहाँ पर। पहला है अल्पविराम, दूसरा है अर्धविराम, तीसरा है पूर्ण विराम, चौथा है प्रश्न चिन्ह, पांचवा है उद्धरण। उद्धरण मतलब अवतरण। इसमें दो भाग है, एक एकहरा अवतरण है, दूसरा दुहरा अवतरण। मराठी में एकेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह कहते हैं ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है ना, और डबल। इस तरह से यहाँ पर एकहरा और दुहरा ऐसा हम कहेंगे। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इन चिन्हों के बारे में ही हम अभी जानकारी लेने वाले हैं। इससे और भी चिन्ह हैं, जिससे कि निर्देशक चिन्ह है, लागू चिन्ह है ना, आप हाइपन कहते हैं, योजक चिन्ह है, यह भी, इनका हम अध्ययन बाद में करेंगे। समझ गए बच्चों? अब देखते हैं पहला अल्पविराम। अल्पविराम आप मराठी में इसे स्वल्प विराम कहते हैं, अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, बराबर। तो यहाँ पर इसका चिन्ह कैसा है, देखिए अल्पविराम का। यह अल्पविराम कब कब लगाया जाता है? हमने देखा बोलते वक्त, लिखते वक्त हमें विश्राम की जरूरत है। तो बोलते समय या लिखते समय हम बहुत कम मात्रा में लिखते हैं, बिल्कुल कम मात्रा में, वहां पर अल्पविराम लगाते हैं, यह चिन्ह आता है। अब देखिए कौन कौन से जगह पर यह चिन्ह आता है। जैसे कि देखो, दो से अधिक समान पद हो, समान पद मतलब किसी के नाम ही आते हैं, नाम व्यक्ति के हो या किसी स्थान के हो, कौन से भी, ये दो से अधिक आए हो तो उनके बीच में हम क्या करते हैं? अल्पविराम लगाते हैं। देखिए जैसे कि राम लक्ष्मण भरत, देखिए राम के बाद अल्पविराम आया है, राम अलग है, लक्ष्मण अलग है, भरत अलग है, बराबर। यह दर्शाने के लिए हमने क्या किया है? अल्पविराम राम लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। अब भरत के बाद और शब्द आया है तो यहाँ पर यह अल्पविराम आएगा बच्चों? बिल्कुल नहीं। और या अथवा किंतु ऐसे जब शब्द आते हैं जो अव्यय है, ये आएंगे तब क्या नहीं होगा? यहाँ पर विराम चिन्ह नहीं आएगा। समझ गए? यहाँ पर देखिए राम के बाद आया है, लक्ष्मण के बाद आया है, भरत और शत्रुघ्न के बीच और यह शब्द है, इसी कारण इनके बीच यहाँ पर अर्धविराम नहीं है। समझ गए? दूसरा देखिए शब्दों को बार बार दोहराना। जब हम बार बार वही शब्द दोहराते हैं तब भी हम अर्धविराम देते हैं। जैसे कि वह दूर से, बहुत दूर से आया है, वह दूर से रुके हैं ना, वह दूर से, बहुत दूर से आया हुआ है, थोड़ी मात्रा के लिए हम वहां पर रुके हुए हैं, इसी कारण यहाँ पर अल्पविराम। समझ गए? तीसरा देखिए नियम कौन सा है, किसी व्यक्ति को संबोधन करते हुए, किसी व्यक्ति को हम संबोधन कर रहे हैं, जैसे कि राम रुकते हैं, क्या कर रहे हो तुम? अगला प्रश्न। इस तरह से जब भी हम पुकारते हैं, संबोधन करते हैं, तब यहाँ पर देखिए सु
रामायण का। कल तुम कहाँ गए थे? प्रश्न। पूर्ण विराम। समझ गए? आज हमने कौन कौन से चिन्ह देखे?
ज्यादा देर रुकते हैं लेकिन पूर्ण से कम देर तक रुकते हैं, वहां दिया जाता है अर्ध विराम।